हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यू हैव द बुक्स। चलिए 1.1, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1, आई थिंक क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1.1 प्लीज। Yes, done. Right. And question says, calculate PV ratio in each of the following independent situations. तो आपको क्या find करना है? PV ratio. PV ratio बोले तो contribution upon sales into 100. Right. So we have to find out PV ratio. मैंने कहा ये रहा PV ratio. And this PV ratio is equal to राइट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज वेरिएबल कॉस्ट 60 कंट्रीब्यूशन 40। देखो आप क्या किया करो, सबसे पहले ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना ही लिया करो, याद रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये आप हमेशा बना लिया करो। राइट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको हमेशा हमेशा ये स्टेटमेंट बना लेनी है। क्वेश्चन चाहे छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, आपको ये स्टेटमेंट बना लेनी, इससे आपके आधे इशू खत्म हो जाएंगे। राइट मैं आपको आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क देने के बाद आपसे नेक्स्ट क्लास में डाउट भी पूछूंगा। आप जितने भी डाउट लेके आओगे ना, सभी क्वेश्चंस को मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के करके दिखाऊंगा। और आपने क्या गलती की होगी कि आपने ये स्टेटमेंट नहीं बनाई होगी। राइट आपको ऐसी बातें कर दो, आप तो बता रहे हो फिर भी हम नहीं बनाएंगे। हाँ सर, हमेशा बच्चे ऐसे ही करते हैं। सर देखिएगा, आपके पास सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो बाकी क्या बच जाता है? कंट्रीब्यूशन बच जाता है। तो देखो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है कितने रुपीज की? 60 रुपीज की। कंट्रीब्यूशन है कितने रुपीज का? 40 रुपीज का। अच्छा बैकवर्ड जाके आप क्या सेल्स निकाल सकते हो? तो कितना हो जाएगा? 100। तो अब आपको कहा जाए कि बच्चो पीवी रेशियो निकालो, तो कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्री अपॉन सेल्स इन 200। So this means 40 upon 100 into 100 and this is how much? Okay. कोई डाउट? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेल्स 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ ही गया। एंड वट यू हैव टू फाइंड आउट? पीवी रेशियो। तो बच्चो पीवी रेशो फाइंड करना है, सिंपल। तो पीवी रेशो फिर से कैसे फाइंड करें? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200 एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 5, सेल्स इज 20 एंड इन 200 हाउ मच? लीजिए जी, ये भी आ गया 25%। राइट सर, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और देखो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स। सो यू हैव अ रेशियो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 84%। आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन और नहीं दी हुई और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आप पीवी रेशियो निकालो, कैसे करोगे? कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 होता है, और आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा? पीवी रेशियो होगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशियो होगा। इट एम्प्लॉइज दैट कंट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच? 16%। ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रॉफिट जी, प्रॉफिट 5000। प्रॉफिट कितने का है? 5000 का। सेल्स 25000, सेल्स 25000, फिक्स कॉस्ट 8000। और कुछ दिया हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं। बैकवर्ड चले जाएंगे हम लोग, और बैकवर्ड जाके आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना? 13000।
तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, आपको तो पीवी रेशियो फाइंड करना है. तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200 एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 13,000 अपॉन 25,000 इंटू 100. हाउ मच? 52%. आई थिंक क्लियर. यस. अब जो एक फिफ्थ पार्ट भी हमारे क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट में जो फॉर्मूला यूज होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज होगा. राइट. कैसे डिफरेंट यूज होगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा. आगे प्रोसीड करें. फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, देखो आपके पास लिखा हुआ है ईयर 1 एंड 2. ईयर 1 के आपके पास सेल्स गिवन है. ईयर 1 की सेल्स कितनी गिवन है? 50,000. और टोटल कॉस्ट भी गिवन है. बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. और टोटल कॉस्ट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपीज का है? 40,000 का. एंड ईयर 2 सेल्स कितने रुपीज का है? 60,000. और फिर से टोटल कॉस्ट गिवन है कितने रुपीज का? 45,000. राइट. अब बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. कितने रुपीज का? 10,000. और यहां पर कितना रुपीज? 15,000. राइट. अब बच्चों हमने जो पीवी रेशो का फॉर्मूला सीखा था वो क्या सीखा था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200. राइट. बट सर ध्यान दो, कॉन्ट्रीब्यूशन तो फाइंड कर ही नहीं पाते हम लोग. यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन तो फाइंड कर ही नहीं सकते. या कर सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए या फिक्स कॉस्ट चाहिए? अगर वेरिएबल कॉस्ट होगा तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. अगर फिक्स कॉस्ट होता है तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता. तो दोनों ही चीजें हमें नहीं पता. तो बच्चों जब हमारा ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पा रहा ना, तो हम आपको एक और नया फॉर्मूला बता रहे हैं. दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन 200. आपको सही तो अजीब फॉर्मूला हो गया. सो मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट जो है ये वही कॉन्ट्रीब्यूशन ही है. आई विल प्रूव दिस. बट फिलहाल के लिए मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द अनदर फॉर्मूला फॉर पीवी रेशो. आपको भी सर पहले तो लिखवाया नहीं था. देखो सर पहले नहीं लिखवाया था, अब लिख लीजिए. पीवी रेशो के कॉन्सेप्ट में आपके पास ये भी एक फॉर्मूला है. ये तो फॉर्मूला था ही, और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन टू 100. राइट. पर से दूसरा फॉर्मूला यूज कब करेंगे? जब पहला फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा. अगर पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो. सिंपल. आई थिंक क्लियर. अच्छा आप कहेंगे सर इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं. बिल्कुल सर क्वेश्चन में यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है. हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट में चेंज कितना है? 5,000. और हमारी सेल्स में चेंज कितना है? राइट. सो चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,000 एंड चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू 10,000 इन टू 100. राइट. बस हो गया कैलकुलेट. और ये कितना हो गया? सो दिस 50% इज द पीवी रेशियो. फॉर्मूले को प्रूफ करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट आई विल डू दिस. बट सबसे पहले आप कॉपी करेंगे. कॉपी इट. वेरी गुड, वेरी नाइस. ये हमने 1.1 क्वेश्चन कर लिया. राइट. 2.1 क्वेश्चन रीड कीजिए. 2.1 एक्चुअली बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते करते करना ज्यादा अच्छा लगता है. यस ना? तो इसी रीजन से मैं ये न्यूमेरिकल बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. 2.1 क्वेश्चन. ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स. तो क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स. अब जो आपसे पूछ रहा है ब्रेक इवन सेल्स, तो आपको नो डाउट या तो यूनिट्स में निकालनी है कैलकुलेशन, और या तो
रुपीस में निकालनी है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, कहां से स्टार्ट करें? स्टेटमेंट से। देखो भूल गए थे ना, नहीं भूले थे, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? स्टेटमेंट से, कहीं और से सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कह लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कर लो। कैसे लिखोगे? सेल्स, अगर टोटल और पर यूनिट है तो दोनों लिखना, अगर एक ही है तो एक ही लिखना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बाकी क्या बच जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, बाकी क्या बच जाएगा? प्रॉफिट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेल्स। बताना सेल्स की वैल्यू है हमारे पास? यस, सेल्स है हमारे क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सेल्स लिखा हुआ है। तो सेल्स की वैल्यू है 10 लाख, तो 10 लाख ही लिखेंगे? यस सर, जस्ट वन मिनट। सेल्स 10 लाख, ओके। नेक्स्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट के जगह पे लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, 2 लाख को 2 लाख प्रॉफिट की जगह पे लिख देते हैं। अच्छा बैकवर्ड जाएंगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 + 2 = 5 लाख, और फिर बैकवर्ड और जाएंगे तो आपके पास और क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट, कितना? 5 लाख। अगर आपकी ये इनकम स्टेटमेंट बन गई है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गई है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कैसे करोगे? क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स। फॉर्मूला बताओ, दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको पर यूनिट में पता होनी चाहिए, आपको नहीं पता तो पर यूनिट में तो हम फाइंड कर नहीं सकते। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपको पीवी रेशियो चाहिए पहले। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है आपके पास कितने रुपीज? 3 लाख। पीवी रेशियो चाहिए, तो पीवी रेशियो के लिए मैंने एक छोटा सा स्टार बना दिया। इस स्टार को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, पीवी रेशियो। हाउ इट विल बी कंप्यूटेड? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200। सो कंट्रीब्यूशन कितना? 5 लाख। सेल्स कितना? 10 लाख। तो कितना हो गया ये? 50%। पर सर 50% तो आ गया, बट मुझे पीवी रेशियो जो यहां पर रिप्लेस करना है फॉर्मूले के अंदर, वो फ्रैक्शन में करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? 0.50, राइट। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, आई थिंक 6 लाख। तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख, आई थिंक। क्लियर? पक्का पक्का? आपको कि नहीं सर, हम तो हमें प्रूफ करके दिखाओ कि जो आपने निकाला ना ये ब्रेक इवन है। सर प्रूफ कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? देखो सेल्स है 6 लाख रुपए की, राइट। प्लीज ऊपर देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है? 50% है ना। तो अगर सेल्स 6 लाख की है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 3 लाख। गॉट इट? कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रॉफिट 0। तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया। तो इस 6 लाख को क्या बोल रहे हैं? ब्रेक इवन सेल्स। आई थिंक इजी। यस सर। अच्छा उसके बाद 2.2 तो आपका रीड कीजिएगा, रीड करते ही आपका हो जाएगा। कैन आई प्रोसीड? सो बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4.4,
क्वेश्चन नंबर 4.4। हाँ जी, अपने आप से करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, वैसे तो हो जाना चाहिए। फोर पॉइंट फोर आप खुद अपने आप से कीजिएगा, 4.3 भी स्टार्ट कीजिए, मतलब पहले 4.4 कीजिए उसके बाद 4.3। राइट, ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप इन दो क्वेश्चंस को अभी के अभी ट्राई करें राइट नाउ। हाँ जी बच्चों, लेट अस स्टार्ट। तो आपने नो डाउट क्वेश्चन ट्राई किया होगा 4.4, 4.3 और 4.3 क्वेश्चन, 4.4 क्वेश्चन तो आपका हो ही गया होगा। तो मैं आपके साथ यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.3, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू क्वेश्चन नंबर 4.3। मेनली थर्ड पार्ट में बच्चों को डाउट होता है, पर सर करवाना पड़ता है सारा का सारा, क्योंकि लिंक है सर थोड़ा सा। तो बच्चों स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपने नहीं किया तो यकीन मानो अभी तक आपने ये बात अच्छे ढंग से नहीं मानी है मेरी। स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पहले रिप्लेस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सो लेट स्टार्ट विद द सेल्स। और देखो यहां पर दो दो कॉलम बना लें, एक तो टोटल और एक पर यूनिट। लाइक वेरी फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन सेज, सुल्तान प्लास्टिक कंपनी मेक्स प्लास्टिक बकेट एंड एनालिसिस ऑफ देयर अकाउंटिंग रिवील्स वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट। अच्छा वन मिनट, तो सेल्स है ये और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है ना, और इसके बाद माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। और कॉन्ट्रीब्यूशन में माइनस कर देंगे क्या? फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। राइट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट, राइट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बता रहा है, कितने रुपीज की है? 20 रुपए की। तो पर यूनिट के नीचे में लिख देंगे फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, टोटल है, तो टोटल में लिख देते हैं। एंड हाउ मच अमाउंट? 50,000 फॉर द ईयर, एंड दिस इज अबाउट द ईयर कैपेसिटी 2000 बकेट, मतलब हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल में कितनी बकेट बना सकते हैं? 2000। तो 2000 मैक्सिमम कैपेसिटी है। ओके, सेलिंग प्राइस पर बकेट इज ₹70। तो बच्चों ये पर यूनिट है, पर यूनिट है तो कहां पर लिख देंगे? सेल्स में, पर यूनिट में। सो डिफरेंस आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना? ₹50 का। राइट, अच्छा क्या यहीं से आप क्या प्रॉफिट फाइंड कर सकते, सॉरी पीवी रेशो फाइंड कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, इजिली आ जाएगा पीवी रेशो, कंट्री अपॉन सेल्स इंटू 100, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 50, सेल्स 70 इंटू 100, हाउ मच? 4.85%। सो दिस इज द बेसिकली पीवी रेशो, इज इट क्लियर? तो बच्चों आपने पीवी रेशो फाइंड कर दी और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको मालूम ही है। अब देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें कहता गया है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। जब हम क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, बेसिकली वो नंबर्स ऑफ यूनिट्स निकालो जिनको बेचने पर हमारा प्रॉफिट और लॉस जीरो। तो कैसे फाइंड करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या? पर यूनिट। तो बच्चों फिक्स कॉस्ट, हाउ मच फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट भी है, यस हमें मालूम है 50,000 है, तो यहां 50,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम है क्या आपको? ₹50 का। तो आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स आ गए कितनी बच्चों? 1000 ना। तो अगर आप 1000 यूनिट सेल कर देंगे, अगर आप 1000 यूनिट सेल कर देंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा? जीरो। और बच्चों अगर आपको यही ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में फाइंड करना है तो कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा।
break even point in rupees is equal to break even point in units into selling price per unit. तो ये है 1000 into selling price per unit. बच्चों ये हमें मालूम है नहीं मालूम है. कितने रुपीज है 70 रुपए. मल्टीप्लाई कर दिया है और ये आ जाता है 70,000. तो बच्चों अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारी कंपनी 70,000 रुपए की सेल करती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस. और यू कैन से अगर हमारी कंपनी 1000 यूनिट बेचती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आपने कर भी लिया होगा. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स ऑफ बकेट्स यानी कि यूनिट्स. फाइंड द नंबर्स ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000. कहता है कि हमारा जो डिजायर प्रॉफिट है, डिजायर प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का. हम 30,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. बताइए इस 30,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए हम कितनी नंबर्स ऑफ यूनिट्स बेचें, सेल आउट करें. राइट. तो जो क्या कहते हो, कैसे क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड आउट सेल्स नंबर्स ऑफ यूनिट्स फॉर, राइट, फॉर डिजायर प्रॉफिट. राइट. मतलब अब आप फिक्स कॉस्ट तो अर्न करना ही चाहते हो, साथ ही साथ डिजायर प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हो, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन. राइट. तो ये कितना है? जस्ट वन मिनट. डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं बच्चों? तो फिक्स कॉस्ट. तो बच्चों फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में गिवन है 50,000. एंड डिजायर प्रॉफिट कितने रुपीज का? 30,000 का. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? अच्छा पीवी रेशो आएगा क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि नंबर्स ऑफ बकेट बताओ, मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट बताओ. सो देयर इज नो नीड टू कंप्यूट, मतलब रूपीज में निकालने की कोई जरूरत नहीं है. और कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? 50 रुपए का. 50 ना, तो 1600. अगर 1600 यूनिट हमारी कंपनी बेचेगी तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 30,000 रुपए का. आई थिंक क्लियर. ये सेकेंड पार्ट कर लिया बच्चों हमने क्वेश्चन में. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट्स मोर पर ईयर. अगर हमारी कंपनी 600 बकेट्स और बनाए विद एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2,000. कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी मोर बकेट्स कितनी बनाए? 600. और ऐसा करने के लिए हमारी कंपनी को एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो खर्च करनी होगी वो कितने रुपीज की खर्च करनी होगी? 2000 रुपए. मतलब जो 50,000 की पहले कॉस्ट खर्च हो रही है वो तो हो ही रही है, उसके अलावा ये 2000 रुपए और खर्च करने हैं. तो यानी कि टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 52,000. सो 8 एम्प्लॉइज दैट न्यू फिक्स कॉस्ट 50,000 पहले वाला, 2000 नए वाला. सो दैट इज रुपीज 52,000. तो अगर हमारी कंपनी की नई वाली फिक्स कॉस्ट 52,000 रुपए है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट? इतना सेलिंग प्राइस होना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट पर बकेट यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट कितना होना चाहिए? सेम एज बिफोर. प्रॉफिट पर बकेट एज एट सेकंड अबव. किसके बराबर? सेकंड अबव. क्वेश्चन समझ में आया? आपको डायरेक्टली डिजायर प्रॉफिट नहीं बता रहा, आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि डिजायर प्रॉफिट क्या है. कितना डिजायर प्रॉफिट? जितना सेकंड पार्ट में हमने प्रॉफिट निकाला उतना नहीं, उतने के पर यूनिट बकेट के बराबर.
टोटल की बात नहीं कर रहा बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट पर बकेट जो हमारे सेकंड पार्ट में आया था उसके बराबर प्रॉफिट होना चाहिए। अब उसके बराबर मतलब क्या हुआ, देखो हम पहले सेकंड पार्ट में चले जाते हैं। सेकंड पार्ट में प्रॉफिट कितना था, 30,000 रुपए, ठीक है। सेकंड पार्ट में नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी बेची हमने, 1600, ये हमने फाइंड किया ना। हमने कहा 30,000 के प्रॉफिट के लिए 1600 यूनिट बेचना चाहिए, तो हमने कहा नंबर्स ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट्स इन सेकंड पार्ट इट्स 1600। तो जो अब आपके पास यहां पर प्रॉफिट पर बकेट आ गया 18.754 डिजिट तक, हमेशा मैंने हमेशा बोला हमेशा कैलकुलेशन 4 डिजिट तक करना, इसके आगे कुछ तो नहीं है, अच्छा नहीं है तो छोड़, 18.75 आ गया, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि जो ये प्रॉफिट पर बकेट है ना, दैट शुड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक क्लियर, सो इट शुड बी प्रॉफिट पर यूनिट इन थर्ड पार्ट, राइट। पर बच्चों ये प्रॉफिट पर यूनिट है, आप मुझे बताओ कि थर्ड पार्ट में नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि मोर बकेट 600 और किससे, और कैपेसिटी से। आपके पास जो नंबर्स ऑफ बकेट्स की कैपेसिटी पहले थी वो कितनी थी, 2000। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 और अगर हमारी देखो कैपेसिटी बढ़ रही है तभी तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। याद हमने सीखा था कि फिक्स कॉस्ट कब बढ़ती है, जब कैपेसिटी से भी हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो हम 600 और बकेट्स बना रहे हैं और फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो हम लोग बेसिकली किससे ज्यादा बना रहे हैं, कैपेसिटी से। तो थर्ड पार्ट में जो आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर्स ऑफ बकेट्स, वो कितनी है, 2000 जमा 600 यानी कि 2600, राइट। तो इससे बच्चों आपका डिजायर प्रॉफिट इन टोटल इन रुपीज फाइंड कर सकते हो, ऑब्वियसली यस। कैसे हो जाएगा, 2600 इंटू ये प्रॉफिट पर बकेट तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, यस। सो मल्टीप्लाई कर दिया आपने कितना, 4875। सो प्रॉफिट पर टोटल डिजायर प्रॉफिट इज 48750। तो इतना प्रॉफिट हम चाहते हैं, राइट। इतना प्रॉफिट अगर हम चाहते हैं तो अब आपको बताना है कि नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर से रीड करो। इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट्स मोर पर ईयर विद एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2000, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। कहते हैं कि बताओ सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होना चाहिए, हमें मालूम नहीं है। सपोज इट टू बी एक्स, राइट। अच्छा माइनस इसमें कर दीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट, हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वही रहेगी ना जो पहले थी, या चेंज हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज होती ही नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, कितना था, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन 20। तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया x माइनस 20। कोई डाउट, ये मैं आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, राइट। मतलब आपको कहोगे सर पहली क्लास में एडवांस क्वेश्चन, यस पहली क्लास में एडवांस क्वेश्चन। x माइनस, ये कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कुछ अनहोनी होने वाली हो, राइट। तो अच्छी बात है आपको तो आता होगा, मैं आपको बाबा बोल रहा हूं, आप बच्चों खेलने लग जाएंगे इन क्वेश्चन के साथ। दिस इज जस्ट लाइक ए वीडियो गेम, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हम आपको 6, 7 कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आपके माइंड में छपे हुए होने चाहिए, नथिंग एल्स, राइट। अच्छा अब बच्चों ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया, अब मैं करूं कैसे, थोड़ा सोचो। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ओके ओके। अब मेरे पास बेसिकली दो रास्ते हैं,
मैं आपको पहले एक मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर वन। देखो माइंड कहीं पर भी आपका भी क्लिक कर सकता है, राइट। मेथड नंबर वन क्या है कि आपके पास सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करो, राइट। सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, इज इट क्लियर आपको? कैसे ये कैसे पता चला आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मैं बताता हूं। देखो सेल्स फॉर फिक्स कॉस्ट कितनी, 52,000। डिजायर प्रॉफिट कितना, ऑलरेडी फाइंड कर चुके आप। डिजायर प्रॉफिट कितना, 48,750। अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, अभी भी तो फाइंड किया, x-20। अच्छा इसके लिए सेल्स कितनी, दैट वी नो, एक्चुअली वो नो, 600 बकेट्स मोर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 बकेट्स मोर मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी। तो अब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, हो गया, यस यस। तो मैंने कहा ये मेथड वन है, आपके माइंड में ये आ सकता है। मेथड टू, आपके माइंड में ये भी क्लिक कर सकता है, क्या क्लिक कर सकता है कि सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाइए। स्टेटमेंट प्रॉफिट कैसे बनता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका बन जाएगा फिक्स कॉस्ट एंड माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बन गया, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको मालूम है ऑलरेडी, यस प्लीज, कितना, 48,750। अच्छा स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ये मैं टोटल की बात कर रहा हूं। सेल्स, सेल्स कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। Let the selling price per unit be X. Let selling price per unit be X. तो सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2600 X, राइट। 2600 क्या है, नंबर्स ऑफ यूनिट्स और X सेलिंग प्राइस। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 2600 into वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 20, ठीक है। माइनस करके क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट भी आपको मालूम है कितने रुपीज, 52,000, राइट। तो यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स, यस ना, हो गया। यहां से भी वही एक्स आएगा और इस वाली मेथड से भी वही एक्स आएगा, पर सर आपके माइंड में कुछ ना कुछ मतलब क्लिक होना चाहिए। मेथड वन मेथड टू विल नॉट मैटर, अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं होगा तो विल मैटर, राइट। सो दिस इज आवर दिस कॉन्सेप्ट। होमवर्क करना चाहेंगे थोड़ा सा, यस सर बिल्कुल करना चाहेंगे, हाँ श्योर। फोर पॉइंट सिक्स, हाँ जी होमवर्क, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, राइट। तो 4.3, 4.4 तो हमने कर ही लिया है, सो दिस इज अबाउट टू डिस्कस जस्ट। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। सो दिस इज अबाउट।